सो दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर दी वोकेबुलरी सीरीज। तो यहाँ पर जो पहला जो है दैट्स कॉल्ड कर्टन वॉल। क्या होता है कर्टन वॉल? कर्टन वॉल सिस्टम इज एन आउटर कवरिंग ऑफ एन बिल्डिंग इन विच द आउटर वॉल और नॉन स्ट्रक्चरल बट मेरली कीप आउट ऑफ द वेदर। मतलब क्या है कैसी वॉल? कर्टन का मतलब क्या होता है? पर्दा। एक ऐसी दीवार बना दी, एक ऐसा पर्दा बना दिया जो दीवार का बना हुआ है सिंपल लैंग्वेज में। तो अब उसका काम क्या होता है? इज अ आउटर कवरिंग ऑफ ए बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को आउटर कवर करता है, इन विच द आउटर वॉल्स आर नॉन स्ट्रक्चर। और जो ये क्या होती है नॉर्मली स्ट्रक्चर, इस पर लोड वगैरह नहीं होता है, ये नॉर्मली आप वेदर को ही कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, फिर एक आता है डेडो, DADO। तो उसको क्या बोलते हैं? द लोअर पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ ए रूम। तो किसी भी रूम का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है डेडो। डेकोरेटेड डिफरेंटली फ्रॉम द अपर सेक्शन। तो जो इसको थोड़ा सा जो ये वाला पार्ट है इसकी बात चल रही है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसके से डिफरेंट डेकोरेट किया जाता है। जैसे ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये पूछा, ये नाटक का जो एग्जाम हुआ है वहाँ पर ये डायरेक्टली पूछा गया है आपसे, तो जरूरी है याद रखना। फिर क्या होता है डोम? अ डोम इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर दैट रिजेंबल्स द हॉलो अपर हाफ ऑफ ए स्फेयर। तो ये जो खाली वाला ऊपर वाला जो स्फेयर होता है उसको बोलते हैं डोम। डोम स्ट्रक्चर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल्स हैव अ लॉन्ग आर्किटेक्चरल लीनिएज एक्सटेंडिंग इनटू प्री हिस्ट्री। ठीक है, फिर आता है डॉर्मर विंडो। कुछ नहीं है, एक्सटेंशन बिल्ड आउट फ्रॉम ए स्लोपिंग रूफ टू अकोमोडेट अ वर्टिकल विंडो। थोड़ा सा बाहर निकाल दिया आपने स्लोपिंग रूफ में, इस तरह से उसको बोला जाता है डॉर्मर विंडोज। फिर होता है इफ्स द ओवर हैंग एट द लोअर एज ऑफ ए रूफ। मतलब जो ये वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है इफ्स। फिर आता है एलिवेशन। एलिवेशन क्या है? अ स्केल ड्रॉइंग ऑफ ए साइड फ्रंट और रियर ऑफ ए स्ट्रक्चर। मतलब आप सामने से किसी भी साइड से देखने में कि कोई भी चीज़ कैसे दिखाई देगी उसको बोला जाता है एलिवेशन। तो इसमें आप देखेंगे तो क्या होता है एलिवेशन नॉर्मली, अगर हम 3D हम देखते हैं तो ये इट इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, दिस इज़ जेड। तो एलिवेशन के अंदर क्या होता है? लेंथ और हाइट दिख जाती है अपने को, लेकिन उसके जो पीछे गहराई है डेप्थ हमें दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर कौन सी डायमेंशन कॉम्प्रोमाइज होती है? डेप्थ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम साइड एलिवेशन देते हैं कि इधर से दिखाते हैं। तो साइड में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा अपने को? वाई एक्सेस और जेड एक्सेस हमें दिखाई देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंग्लिश बोन। बोन कई सारे तरह के होते हैं, जैसे फ्लेमिश बोन होता है आपने देखे होंगे, इसकी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तो याद रखना कि बोन भी आपको याद करने एक बार सबको देख लेना। ठीक है, फिर आता है FAR। इसका मतलब क्या है? फ्लोर एरिया रेशो। ये उसको बोलते हैं FSI बोलते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। दोनों का मतलब सेम होता है, तो याद रखना, ये आपसे पूछी जा सकती है फुल फॉर्म में, दोनों का मतलब सेम होता है। इज द रेशो ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ए बिल्डिंग ऑन ए सर्टेन लोकेशन टू द साइज ऑफ द लैंड ऑफ दैट लोकेशन और द लिमिट इम्पोज ऑन ए सच ए रेशो। मतलब क्या है इसको सिंपल समझो, FAR। मान लीजिए ये प्लॉट है और ये कितने गज का है? 100 गज का है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर ये बोल दिया गया कि आप इसका फ्लोर एरिया रेशो जो है 1 लेकर चलना है, सपोज कीजिए, इसका मतलब क्या है कि जो भी आप फ्लोर बनाओगे इनको आप सम करोगे, इट हैज़ टू बी 100 मीटर स्क्वायर, या जो भी अगर 100 मीटर की बात कर रहे हैं या गज की बात कर रहे हैं उतना ही होना चाहिए। अब क्या कर सकता हूँ मैं? एक केस ऐसा हो सकता है कि मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लोर डाल दिया बिल्कुल सेम, उसको पूरा का पूरा कवर करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है FAR, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर का एक हो गया। या फिर एक तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि आधा हम लोग, एक फ्लोर मैंने यहाँ बना दिया 50 मीटर स्क्वायर, मैंने यहाँ पर कवर कर दिया, और दूसरा फ्लोर मेरा 50 मीटर का यहाँ पर हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 50 प्लस 50, 100 मीटर स्क्वायर। तो तब भी आपका FAR 1 हो गया। ठीक है, FAR 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन अभी हम टाइम थोड़ा लिमिटेड है तो हम ज़्यादा डिस्कस को नहीं करेंगे। फिर आता है फसाड। फसाड का मतलब क्या होता है? द फ्रंट और फेस ऑफ ए बिल्डिंग एम्फेसाइज आर्किटेक्चरली। मतलब आप किसी बिल्डिंग के सामने से देखते हो, जो मेजरली काम क्या होता है उसके आर्किटेक्चर को दिखाना, उसको बोला जाता है फसाड। ठीक है, फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन इज द लोवेस्ट एंड सपोर्टिंग लेयर ऑफ ए स्ट्रक्चर, तो इसको नींव बोलते हैं। सो फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन इज द लोवेस्ट एंड सपोर्टिंग लेयर ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो किसी भी स्ट्रक्चर की सपोर्टिंग लेयर सबसे नीचे, जहाँ पर पूरा का पूरा लोड ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पर आप ट्रांसफर करते हैं लोड, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन आर जनरली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, शेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, कि ज़्यादा गहरी है या
कम गहरी है। तो शैलो का मतलब कम गहरी फाउंडेशन, और जो डीप फाउंडेशन मतलब ज्यादा गहरी फाउंडेशन। फोरम क्या होता है? फोरम वॉज ए पब्लिक स्क्वायर इन रोमन म्यूनिसिपल और एनी सिविटास मतलब सिटीज में, रिजर्व प्राइमरी फॉर द वेंडर ऑफ द गुड्स। मतलब फोरम का मतलब होता था मार्केट प्लेस, जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज की जाती थी। इन एडिशन टू इट स्टैंडर्ड फंक्शन एज ए मार्केट प्लेस, अ फोरम वॉज गैदरिंग प्लेस। तो वहाँ पर लोग इकट्ठे भी होते थे, सोशल सिग्निफिकेंस भी होती थी, एंड ऑफन सीन ऑफ द डाइवर्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पोलिटिकल। नेक्स्ट थिंग इज फ्रेस्को। फ्रेस्को का मतलब कहाँ सा है? अभी मैंने पेंटिंग वाली सीरीज दो वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप देख लेना, उसको बहुत फायदा मिलेगा। तो फ्रेस्को केम फ्रॉम द फ्रेश, मतलब इटालियन वर्ड है, उसका मतलब होता है फ्रेश। तो वो क्या होता है इसके अंदर कि हम लोग दीवार को प्लास्टर करते हैं और कुछ पिगमेंट डाल देते हैं, पिगमेंट डालने के बाद गीली दीवार पर वो परमानेंट फिक्स हो जाता है, उसको बोला जाता है म्यूराल। सो म्यूराल इज एन अ पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड अप्लाई डायरेक्टली टू द वॉल, सीलिंग और अदर लार्ज परमानेंट सर्फेस। द म्यूरल इज एनी लार्ज पेंटिंग ऑन ए वॉल, सीलिंग और एनी अदर लार्ज स्ट्रक्चर। दे आर मैनी टेक्निक्स यूज टू मेक देम। अब फ्रेस्को एग्जीक्यूटेड यूजिंग वाटर सोल्यूबल पेंट्स और ये सब चीज़ें उसमें देख लेंगे, ठीक है। अभी गर्भगृह क्या होता है? उसको बोलते हैं सेंटम सेंटोरियम। उसका मतलब होता है गर्भ, मतलब जो मदर जैसे बेबी को जहाँ पर कैरी करती है पेट में, उसको बोलते हैं गर्भ। गर्भगृह इज अ स्मॉल यूनिट श्राइन ऑफ अ हिंदू टेम्पल, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग द इंटीरियर ऑफ द सेंटम सेंटोरियम, द इनर मोस्ट सेंक्शन ऑफ द हिंदू टेम्पल वेयर रिसाइड द मूर्ति। मतलब कोई जो मंदिर है वो जिसके लिए डेडिकेटेड है, वो जहाँ पर उनका स्थापना की जाती है, उसको बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। उसको बोला जाता है वॉम चैम्बर फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, गर्भ का मतलब वॉम एंड गृह मतलब घर। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम और द गोपुरा इज ए मोन्यूमेंटल टावर यूजली ऑर्नेट एट द एंट्रेंस ऑफ एनी टेम्पल, स्पेशली इन साउदर्न इंडिया। तो साउदर्न इंडिया में क्या होता है, कहीं पर जो एंट्री देने के लिए, तो उसको बोलते हैं गोपुरम। दिस फॉर्म अ प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ हिंदू टेम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। तो द्रविड़ स्टाइल में हमें सब ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसको अभी यहाँ पर करते हैं, कुछ मुझे एकदम काम याद आ गया, तो थोड़ा पहले उनको ध्यान देना पड़ेगा। एक दो वीडियो और आने वाली है, आज ही आएंगी सारी की सारी वीडियोज़। बस स्टे ट्यून एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।